कटनी जिले की अदालत ने तिहरे हत्याकांड की दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल यह मामला बीते 4 अक्टूबर 2016 का है, जहां आरोपी अहमद हुसैन कुरैशी ने अपनी पत्नी शमा परवीन और 12 वर्षीय बेटी जिया कुरैशी सहित 2 वर्ष के मासूम बेटे की हत्या कर दी थी। और इसी मामले में कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी है। इस मामले में बड़ी गुत्थियां थी, बड़ी पेचीदगियां थी, और जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे विपिन सिंह, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से इस प्रकरण को हैंडल किया। और जो वैज्ञानिक साक्ष्य थी, चूंकि प्रकरण में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था, तो हमें मामले को पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य को प्रमाणित करके सिद्ध करना था, तो वैज्ञानिक साक्ष्य हमारे लिए एकमात्र आधार थी। तो जो बैलिस्टिक की इसमें रिपोर्ट थी, जो पीएम की रिपोर्ट थी, वो महत्वपूर्ण थी। उसके भीतर से 2 बुलेट के टुकड़े प्राप्त हुए थे मृतका शमा परवीन के, और डॉक्टरों का ही कहना था और वैज्ञानिकों का ही कहना था कि 2 एंट्री वुंड हैं, और ये तभी कारित हो सकते हैं जब आप 2 बार राइफल से फायर करेंगे। और कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के मामले में 1 बार फायर करने के बाद अपने माथे पर दोबारा फायर नहीं कर सकता। तो इस तरह से अभियोजन ने इस मामले को प्रमाणित किया, और इस मामले की पैरवी में मेरे साथ मेरे जो अधीनस्थ ADPO हैं श्री सुरेंद्र गर्ग, ये भी रहे। और हम लोगों ने जो साइटेशन पेश किए, माननीय न्यायालय 3rd ADJ श्री KN अहिरवार उससे सहमत हुए, और आरोपी को 3 मर्डर के लिए अलग अलग पृथक से 13 आजीवन कारावास दिया गया। 3 मर्डर के लिए उसे 2,000 रुपये से दंडित किया गया जुर्माने से, और जो साक्ष्य का विलोपन किया उसने और घटना को एक नई शक्ल देने की कोशिश की, उसके लिए भी 3 वर्ष के कारावास से भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत उन्होंने दोषी पाते हुए दंडित किया।